हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ में अपना वीकली मील प्रिपरेशन शेयर करने जा रही हूँ। ये एक इनडेप्थ या इंटेंस मील प्रिपरेशन नहीं है। जब इनडेप्थ करूँगी तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ रेसिपीज़ के साथ शेयर करूँगी पूरे वीक के हिसाब से। आज की डेट में मैं आपके साथ ये शेयर करने जा रही हूँ कि मैं बेसिक लेवल पर क्या प्रिपरेशन करती हूँ। बेसिक लेवल से मेरा मतलब है कि पूरे हफ्ते में जिन चीज़ों की मुझे डेफिनेटली ज़रूरत पड़ने वाली है, जिनके बिना मेरा काम नहीं चलने वाला है, उन्हें मैं कैसे पहले प्रिपेयर करके रखती हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो थोड़ा प्रोडक्टिव लगेगा। अगर ऐसा हो तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वो क्या बेसिक चीज़ें हैं जिन्हें मैं पूरे हफ्ते के हिसाब से करके रखती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट बाय सोकिंग थिंग्स अप। सबसे पहले मैं एक बोल में छोले भिगा लूँगी। हफ्ते में एक बार मैं छोले ज़रूर बनाती हूँ, इस वजह से छोले भिगाना इज़ अ नेसेसिटी। इसी के साथ में मैं राजमा भी भिगा दूँगी। राजमा भी मैं हफ्ते में एक बार बना के अपने बच्चे को ज़रूर देती हूँ। इसके बाद में मैं डोसा बैटर प्रिपेयर करने की तैयारी कर रही हूँ यहाँ पर। तो मैं एक बड़े बोल में एक कटोरी राइस, एक कटोरी पोहा, एक टेबल स्पून मेथी के साथ में भिगा दूँगी, जस्ट टू मेक श्योर। डोसा बैटर अगर रेडी होता है तो नाश्ता बनाने में दिक्कत नहीं होती। यहाँ मैंने दो ग्लास वाटर का इस्तेमाल किया है। इसके बाद में मैं खड़ी उड़द की दाल भिगा रही हूँ। मैं दाल मखनी बनाने का प्लान कर रही थी इस वीक में। और मैं आधी कटोरी यहाँ पर टूटी हुई उड़द दाल भी यूज़ करूँगी डोसा बैटर में यूज़ करने के लिए। और इन सब चीज़ों को मैं भिगा करके रख दूँगी। ये सैटरडे की प्रिपरेशन है मेरी। इसके बाद जो सबसे पहला काम मैं करूँगी वो ये होगा कि मैं लहसुन को डिवाइड करके, जवे निकाल करके पानी में भिगा के छोड़ दूँगी। जब तक मैं बाकी का प्रिपरेशन करूँगी तब तक लहसुन छीलने के लिए तैयार हो जाएगा। और पानी में भीगा हुआ होता है लहसुन तो बहुत आसानी से पिस जाता है। इस वजह से मैं इस स्टेप को ज़रूर परफॉर्म करती हूँ। तो यहाँ मैंने लहसुन पानी में भिगा दिया है। इसके साथ हम लोग एक घंटे बाद डील करेंगे। इसके बाद में मैं टमाटरों को काट कर ग्राइंड करके रख दूँगी। इससे क्या होता है, सब्ज़ी छौंकते वक्त मुझे ग्राइंडर चलाने की नेसेसिटी नहीं होती। सिर्फ प्याज काटा और बाकी सब कुछ मेरे लिए रेडी होता है। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने टमेटो प्यूरी बना ली है। इसे मैं एक बोल में करके एयर टाइट लिड लगा करके इसे मैं फ्रिज में लगा दूँगी। यहाँ पे पालक भी मैंने मंगवाई थी और इसे मैंने ब्लांच करके पीस करके रख लिया है। इस तरीके से ये हफ्ते भर टिक जाती है, वरना पालक बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है इस मौसम में। और एक टॉडलर की मम्मा होने के नाते मेरे फ्रिज में आपको हमेशा उबले हुए आलू मिलेंगे। ये एक बेयर नेसेसिटी है, क्योंकि जब कुछ नहीं खाना होता है तो कुछ ना कुछ आलू से रिलेटेड बच्चे खा ही लेते हैं। तो इस वजह से मैं हमेशा आलू को बॉईल करके छील करके रख लेती हूँ। थोड़ा सा आलू मेरे पास फ्रिज में हमेशा रखा रहता है। इसके बाद में मैं कुछ वेजिटेबल्स रखी हैं जिन्हें कट कर लेती हूँ। इन्हें छौंकना बहुत आसान हो जाता है अगर ये ऑलरेडी कट की हुई रखी होती हैं पास में आपके, और दिमाग में आपके रहता है कि हाँ ये सब्ज़ी है जो फ्रिज में पड़ी हुई है। तो यहाँ सबसे पहले मैं एक बॉटल गार्ड है जिसे कट करके रख रही हूँ। इसे मैं इसी तरीके से रख दूँगी, धुलूँगी नहीं। और धुलूँगी मैं तब, कटने के बाद धुलूँगी मैं तब जब मुझे इसे डायरेक्टली छौंक देना होगा। तो यहाँ मैंने अपनी बॉटल गार्ड को कट करके रख लिया है। इसके बाद में मैं बाकी की सब्ज़ियों को भी क्लीन कर लूँगी। ये गोभी है जो मेरे पास पड़ी हुई है, इसे मैं बस क्लीन करके वाटर से और उसके अंदर इसके फूल अलग करके रख लूँगी। इस तरीके से गोभी में कीड़ा नहीं लगता है। तो जस्ट मेक श्योर कि आप फ्लावर्स को अलग करके अगर रखेंगे तो ख़राब नहीं होगी गोभी आपकी। उसके बाद में यहाँ मेरे पास कुछ कैरेट्स हैं, ऑरेंज कैरेट्स हैं, पास्ता बनाने के लिए मैंने मंगवाई थी। विवान को देख के बहुत अच्छी लगती हैं। सो यहाँ मैं कैरेट्स को पील करके थोड़ी एक कैरेट बचा लूँगी ग्रेट करने के लिए, किसी भी चिल्ले में डालने के लिए। और बाकी कैरेट्स को मैं डाइस करके आराम से स्टोर कर दूँगी फ्रिज में। इट्स जस्ट बिकम्स रियली वेरी इजी। इसके बाद में बारी आती है कैप्सिकम की। कैप्सिकम के साथ भी मैं यही करूँगी। दो कैप्सिकम है मेरे पास में। डेढ़ कैप्सिकम को मैं डाइस करके रख लूँगी और आधी कैप्सिकम का मैं छोड़ दूँगी। उसे अपने हिसाब से जब भी मुझे काटना होगा तो मैं शेप दे लूँगी अपने हिसाब से, जो भी शेप देना होगा। तो यहाँ हम लोगों की कैप्सिकम भी कट गई है आराम से। और इसके बाद इसे हम लोग साइड ट्रैक कर देंगे थोड़ा सा। उसके बाद में मैं स्टार्ट करूँगी जिंजर गार्लिक के पेस्ट के साथ। ये सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग काम है, लेकिन इसकी वजह से सबसे ज़्यादा काम बच जाता है। सो सैटरडे को अगर आपके हस्बैंड फ्री होते हैं तो आप डेफिनेटली ये करके रख लीजिए। आपको मंडे ब्लूज़ नहीं फेस करने पड़ेंगे एक अच्छे वीकेंड के बाद में।
सो यहाँ आप देखिए मैं जिंजर गार्लिक जो है उसको छील करके ग्राइंडर में डायरेक्टली डालती चली जा रही हूँ। काश ऐसा होता कि इतना गार्लिक जो है वो इतनी ही स्पीड से छिल गया होता जितनी स्पीड से एडिटिंग ने इसको बना दिया है, बट स्टिल छिल जाता है किसी ना किसी तरह। इसके बाद में हम लोग इसे ग्राइंडर में ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने के बाद में हम इसे अच्छे से पोंछ कर निकाल लेंगे। थोड़ा सा आप इसमें पानी डाल के वो पानी भी निकाल के रख सकते हैं। इसी के साथ में आप देखिए मेरा वीकली मील प्रिपरेशन हो चुका है। ये काफ़ी बेसिक है, इन डेप्थ भी आएगा, बहुत जल्द आएगा, बट फिलहाल के लिए इतना ही है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, थोड़ा प्रोडक्टिव भी लगा होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जस्ट स्टे ब्लेस्ड एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय।